के बहनों भाइयों, ये तीनों बिल वापस लिए जाते हैं। और बहनों और भाइयों, देश के किसानों के लिए किसान आयोग का गठन किया जाता है। और बहनों और भाइयों, देश के किसानों के 72 साल से किसान विरोधी नीतियों के कारण जो किसान कर्जदार हो गया है, जो आत्महत्या करता है, वो माफ किए जाते हैं। और यदि आप पत्रकार हैं और यहाँ हो जाए लड़ाई और तुम हो जाओ शहीद, तो तुम्हारे पत्नी और पत्नी न हो तो तुम्हारी माता जी पिताजी को 4 करोड़ रुपए दिए जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तुम्हारा भी है। पर जाए निकाल दे ऐसे ही, तो न निकालो तो शराब दे दूंगा। ऐसे ही निकलेगा चाचा। चाचा जी, और कितने दिन बैठने वाले हैं आप यहाँ पे? अब जब तक आप यहाँ आते रहोगे तब तक बैठते रहेंगे। अरे नहीं, इसका उल्टा है, जब तक आप बैठे रहेंगे तब तक हम आते रहेंगे। अच्छा, तो हमने तो ये अंदाजा लगाया है कि यदि हमारे आज किसान महारथियों की बात सरकार ने नहीं मानी तो हम अपना ये अल्टीमेटम देंगे आज कि अब अगला इलेक्शन कब होगा लोकसभा का, कौन सा? 24 में कि सन 24 तक अगला जो इलेक्शन होगा उस 24 तक बैठेंगे, यहीं बैठे बैठे इलेक्शन करवाएंगे, लोकसभा का इलेक्शन 24 वाला यहीं बैठ के करवाने का विचार है। उसके पहले 22 का आएगा यूपी में। हाँ 22 आएगा, तो 22 आएगा यूपी में तो यूपी में बैठेंगे। 22 का आएगा तो यूपी में तो बैठेंगे, यूपी में तो बैठेंगे। हाँ तो यूपी का तो नहीं कर देंगे कबाड़ा। हाँ तो क्या लगता है इस बार यूपी के चुनाव जो विधानसभा के आएगा, इसके पहले तो बहुत भारी मतों से विजयी बनाए थे बीजेपी के आप लोग, और क्या नहीं तो इस बार क्या करेंगे? ऐसा है जो हमारी बात मान लेंगे। देखिए बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में इस समय, बीजेपी की सरकार उत्तर, पहले बीजेपी पहले सरकार थी बहन जी की बहुमत की, फिर सरकार बनी मान लो अखिलेश यादव की पूर्ण बहुमत की, दोनों सरकारें पूर्ण बहुमत की थी। हम पढ़े लिखे आदमी हैं, दोनों की स्थिति बहुत खराब है आज। अब दोनों सरकार डामाडोल हो गई, अब इनकी बन गई पूर्ण बहुमत की, तो पहली मायावती की पूर्ण बहुमत की, दूसरी अखिलेश की पूर्ण बहुमत की, और तीसरी माननीय योगी आदित्यनाथ की पूर्ण बहुमत की। यदि पूर्ण बहुमत की सरकार को दोबारा बनाना चाहते हैं तो किसान देवताओं की बात माननी पड़ेगी। बात मान लेंगे तो समर्थन में आ जाओगे आप लोग सरकार के? लेंगे तो पूरी जी जानते हैं, लेकिन बात का माननी पड़ेगी मालूम है? बताइए ना। हाँ यही तो सुनो, 3 बिल जो बनाए हैं माननीय प्रधानमंत्री, बहनों और भाइयों के लिए इसको वापस ले, ये कहें कि बहनों भाइयों ये तीनों बिल वापस लिए जाते हैं। और बहनों और भाइयों, देश के किसानों के लिए किसान आयोग का गठन किया जाता है। और बहनों और भाइयों, देश के किसानों के 72 साल से किसान विरोधी नीतियों के कारण जो किसान कर्जदार हो गया है, जो आत्महत्या करता है, वो माफ किए जाते हैं। और बहनों भाइयों, जो किसान दुर्घटना में मरता है या यहाँ मर गए अभी आंदोलन में, उन सबको 1-1 करोड़ रुपया दिया जाता है। और यदि कहीं पूरे देश में किसी भी प्रांत में पुलिस वाला शहीद होता है, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में कानपुर में हमारे पुलिस के जवान 8 हमारे बेटे जो भी भाई हैं वो 8 शहीद हुए, उनको 2-2 करोड़ रुपया। और यदि आप पत्रकार हैं और यहाँ हो जाए लड़ाई और तुम हो जाओ शहीद, तो तुम्हारे पत्नी और पत्नी न हो तो तुम्हारी माता जी पिताजी को 4 करोड़ रुपया दिए जाए। अच्छा, अरे और क्या नहीं। और यदि मिलिट्री का कोई जवान, जो हमें, हम तो करते हैं राजनीति, हम तो चलते हैं जहाजों में, और वो बर्फ में और जाड़े में सर्दी में राइफल ताने रहते हैं, और न तो आने देते ऊपर वाले जहाजों से नहीं आने देते, नीचे वाले राइफलों से नहीं आने देते, और पानी वाले पानी से नहीं आने देते, तो जल सेना थल सेना वायुसेना बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यदि कहीं मरे तो उसने उसके पत्नी बच्चों परिवार को 5 करोड़ रुपया दे केंद्र सरकार, तब है लोकतंत्र। और नहीं तो ये है राजतंत्र का चाचा,
इसमें राजनेताओं की चल रही है और उद्योगपतियों की चल रही है, और हम किसान परेशान, हमारा बेटा पुलिस में परेशान, हमारा बेटा फौज में परेशान। इन परेशानियों को अब हम होने नहीं देंगे। जो किसान की बात करेगा वो ही देश पर राज करेगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, ये हमारा पक्का इरादा है। आप तो ये बात कह रहे हैं, किसान आंदोलन के दौरान 40 लोग से ज़्यादा शहीद हो गए हैं, उनको और एक एक करोड़ देना पड़ेगा तभी हम हटेंगे जाते। सरकार तो ये कह रही है कि जो लोग शहीद हुए हैं उसके पीछे आप लोग कहाँ थे, आप लोग होटल में बैठ के आंदोलन करवा रहे हैं, यहाँ पे गरीब लोग शहीद हो रहे हैं। हम होटल में बैठे हैं, सरकार कह रही है ऐसा है, सरकार कोई झूठ बोले। अच्छा एक और है, आगे और बात है, भानु प्रताप सिंह का अराजनैतिक रूप से, राजनैतिक नहीं, अराजनैतिक रूप से गरीब किसान मजदूरों के लिए जो समय थोड़ा बहुत लगाया है वो 40 साल हो गई लगभग। हमने किसी को लूटा नहीं, किसी से दलाली नहीं की। हमारी मैं ये कह रहा हूँ, आरएसएस वाले कल ट्रेंड चला रहे थे ट्विटर पे कि जो ये किसान संगठन के नेता हैं सबको जेल होनी चाहिए, क्योंकि 40 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, उनकी जो मर्डर का चार्ज है इनके ऊपर लगाया जाए, इनको जेल में भेजा जाए। तो अब हमारी सुन लो, जो नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की थी तो 1000 लोग मरे थे नोटबंदी से, और ये और मेरा लड़का मरा था ओम प्रताप, उसकी पत्नी विधवा हो गई है, मेरी बहू पुत्र वधु, और उसके मेरे नाती अनाथ हो गए, तो उन पे 1001 302 के केस नरेंद्र मोदी पे लगने चाहिए, तब 40 हम पे लग जाए, ठीक है, तब मंजूर है। तो हाँ, तो उन पे 1001 पहले लगे और वो पहले जेल जाए, 302 में सारे मंत्री, 1001 में तो सारे मंत्री चले जाएंगे और सारे आरएसएस के चले जाएंगे, तब फिर पीछे से हम चले जाएंगे, ज्यादा होशियार है आरएसएस के। हम मांग रहे, हम प्रजातंत्र है, ये प्रजातंत्र नहीं है, हम दिल्ली नहीं आ सकते, क्यों रोका हमें, क्यों चिल्ला बॉर्डर पे क्यों रोके पड़े हो, उस बॉर्डर पे टीकरी बॉर्डर पे क्यों रोके पड़े हो, क्यों पड़े, दिल्ली नहीं आ सकते हम, ये रामलीला मैदान हमारा नहीं है, रामलीला मैदान क्या उसका रामदेव बाबा का है, रामदेव बाबा को और अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी को अड़ानी को बढ़ाते बढ़ाते तुम्हें चैन नहीं आ रहा, अभी होश में आ जाओ आरएसएस वाले और भाजपा वाले। भानु प्रताप सिंह कह रहा है सत्य की जीत होती है हमेशा, सत्य की जीत अति सर्वत्र बरसते, जब आते हो जब जब होए धर्म की आनी, बाढ़ असुर अधमा बनवानी, तब तब धर प्रभु विभिन्न शरीरा, हरण कृपा ने सज्जन पीरा। आज जैसे ये आरएसएस के और ये भाजपा के नरेंद्र मोदी जैसे आ रहे हैं आसुरी प्रवृत्ति में, अहंकार में और राक्षसी प्रवृत्ति में, ऐसे एक दिन रावण आया था, रावण तो ब्राह्मण जाति से था, ब्राह्मण कुल था, उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव विरंच पूजे भवमाती, लेकिन अहंकार हो गया था तो मरना पड़ा था, ऐसे दुर्योधन को अहंकार हो गया था तो मरना पड़ा था, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ मेरी आत्मा रो रही है, मेरी आत्मा रो रही है, का समझे, इन किसानों का सर्वनाश किया है इन आरएसएस और इन नरेंद्र मोदी ने, वो इनको झेलना पड़ेगा। अरे भेजो जेल, क्यों नहीं जेल भेज रहे, फिर हम नहीं मारे तो जेल भेजो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट गए हम, सुप्रीम कोर्ट में याचिका हमारी कि क्यों हमको रोका गया, सुप्रीम कोर्ट गए सुप्रीम कोर्ट क्यों हमको रोक गया बॉर्डर पे, लोकतंत्र पे आरोप लगा रहे हैं लगातार कि किसान संगठन के जो लोग हैं रास्ता जाम कर दिए हैं, जाने आने नहीं दे रहे किसी को, यही वो तो यही कह रहे हैं ना, ऐसा है हम जा रहे हैं दिल्ली खुलवाए से, अरे एक मिनट सेकंड में हम यहाँ, एक मिनट नहीं रुकेंगे, इसको खुलवाइए बैरिकेडिंग को, हम जा रहे हैं दिल्ली और रामलीला मैदान में रुकेंगे, खुलवाओ, जंतर मंतर में जाएंगे, 5000 लोग तक जंतर मंतर पे जाके केंद्र सरकार के खिलाफ धरना दे सकते हैं, ये संवैधानिक फार्मूला है। हम तो 5000 रहते ना, जंतर मंतर पे जाएंगे, खुलवाओ ना, ये तो सब लोग तो 5000 से बहुत ज्यादा है ना सरकार, तो बहुत ज्यादा, तो फिर मतलब जाके वो अपने रामलीला मैदान में आ जाएंगे, रामलीला मैदान में तो आ सकते हैं, रामलीला मैदान में 1,00,000 तक आ सकते हैं, तो राम 1,00,000 तो है नहीं, और हाँ भी तो कुछ लाल किले पे चले जाएंगे, दिल्ली में तो आ जाएं कम से कम,
दिल्ली क्या आरएसएस वालों की या भाजपा के बाप की या दिल्ली है? दिल्ली आरएसएस वालों की है, तो फिर हमारी दिल्ली बिल्कुल नहीं रही अब वोट देने के। और सुनो, यदि किसानों ने वोट नहीं दिया तो ये आरएसएस और ये भाजपा तेल लेने चली जाएगी। तो आरएसएस वालों की दिल्ली हो गई है और दिल्ली वालों की आरएसएस हो गई है, तो इसका तो मजा आ जाएगा 24 में और 22 में। ठीक है, 24 और 22 में मजा दिला देंगे बिल्कुल पक्का। देखो हम झूठ नहीं बोलेंगे कभी, दिल्ली तो जिधर ही है हैं, और जे दरी है लखनऊ, यूपी में तो आप आए हैं, सूदे जा पे दे जे परी चौक पे दे सूदे पच जाओ लखनऊ पहुंच जाता है, टनाटन है, टनाटन न कोई शहर पर है न कछु, जी बने को यमुना एक्सप्रेस पे और फिर बाप दे सूदे चले जाओ। अखिलेश जी बनवा के गए थे? अरे को बनवाए गए वो ना चल को जी झमे का माले में को बनवाए गए, मैं खामा खा काऊ की तारीफ करूं बनवाए गए हो, कोई झूठ बोलूं काऊ, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, लेकिन हां हम यूपी के हैं तो यूपी में और दिल्ली में जामे तो हम खूब जानते हैं। दिल्ली हमने संसद भवन देखो, प्रधानमंत्री का आवास देखो, दिल्ली तक रास्ता देखे खूब पेल के, और जे ऊपर पास के जितने भाई प्रदेश अतंग है जिन्हें जानता है, या जे यूपी चुनाव में छोड़ेंगे नहीं बीजेपी को लगता है? आप चुनाव में कैसे छोड़ देंगे यार, हमारी बात न मानेंगे तो, मानेंगे तो छोड़ेंगे ही, हमारी बात मान ली ना इन्होंने, जो हमारा हमारा ऐसा है, कोई हम राजनीति चाहे नहीं, कोई हम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री। 40 दिन से ज्यादा आप लोग को हो गया, ठंडी इतनी पड़ रही कि मेरी तबीयत खराब हो गई रोज रोज आते आते, इसका बदला लेंगे कि नहीं? यार तबीयत हमारी खराब है, जे दे ले दवाई ले, जे मतलब जे दरिया यथार्थ में दवाई ले रही। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी तबीयत खराब होगी जब तुम रात में घर में सोता हूँ, आप लोग तो यहाँ ठंडी में लेटते हैं, आप लोग की जो तकलीफ हो रही है इसका बदला लेंगे कि नहीं? जाको बदलो तो लेंगे, पर यदि उनने बात मान ली तो ना लेंगे, फिर बात मान ली हमारी तो काय बोलेंगे, पागल है गए हम? मतलब एक बात बताओ, यदि हमारा उन्हें सम्मान कर दिया, सब बात मान ली तो हम ते उनते राजा बाबू कोई ना है, फिर तो भाई बहुत बढ़िया है, राजा बाबू हो जाएंगे, है राजा बाबू बना देंगे। हाँ बिल्कुल, आज तो पूरे इंडिया को लगभग राजा बाबू बना रहे हैं वो। को मोदी जी कैसे राजा बाबू बना रहे? अरे कभी कुछ बन के आते हैं, कभी कोई कपड़ा पहन के आते हैं, कभी कुछ कपड़ा पहन के आते हैं, राजा बाबू बन के टहल रहे हैं। ये राजा बाबू को ना हो जाए तो बहरूपिया होता है यार, तरह तरह की ड्रेस बदले आवता तो राजा बाबू होता है, कोई थानेदार बने आवता है, कबू बने आवते हैं सेक्रेटरी, कबू कछु कबू कछु, जे कहू ना है, जे बातें छोड़ो, तुम इन बातें तो काले हुए, तुम बालक कौन है? मोदी जी कौन है फिर बता दीजिए थोड़ा सा, हम बता दे सही सही, बिल्कुल बता दीजिए। तुम ऐसा है, नरेंद्र मोदी हैं जो हम देख रहे हैं 6 साल से, वो बहरूपिया हैं। सच पूछते हो तो बहरूपिया हूँ, बहन और भाइयों मैं आपके कर्जे सब माफ कर दूंगा, आने दो, पहली मीटिंग में कर दूंगा, विश्वास करो नोट कर्जा तो माफ करो ना भाई, नोटबंदी आएगी फिर सोची कि बात इनको दिमाग सुधरेगा हो, अब के 3 बिल्ली है भैया, किशन टाकी ऐसी तैसी मारे देता है, किशन टाकी न्योको के जो हमें का नुकसान हुए, जो हम का फायदा का है, जो हम एक नुकसान ये है कि जो भंडारण क्षमता खत्म कर दी है, तो न तो ये भंडारण कर सके न मैं कर सकूं, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी और अड़ानी बना रहे गोदाम, उनमें भंडारण कर देंगे लाखों करोड़ों बोला भर लेंगे कुंतल, और तुम्हें गेहूँ नहीं मिलेगा फिर। हाँ। हम तो अपन धर लेंगे कुटरिया में, हमारा तो कछुना बिगड़ रहा किसंटन को, तो हम तो तुम्हारी लड़ाई लड़ रहे हैं भाई साहब, अब समझो, तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम्हें मिलेगा 250 रुपया किलो, लेना है तो ले जाओ गर्म चाय। ऐसा है उनको चाय बेचने की आदत थी, तो किशन टापे तो बिकवाएंगे सब पे चाय, जो जैसा होता है राजा तैसी प्रजा को बनाता है। ठीक है, तो और अनिल अंबानी मुकेश अंबानी से पैसा लेते हैं और चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं, और फिर हवाई जहाजों में चलते हैं, सूट पहन के अरे में घूमते हैं, दाढ़ी कर दी है लंबी। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद तुम्हारा भी है, पर जाए निकाल दे वैसे ही तो।
ननकारो तो शराब दे दूंगा। ऐसे ही निकलेगा चाचा। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।